हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे जावा लैंग्वेज के एमसीक्यू, जिसमें हमारा टॉपिक होगा स्ट्रिंग कंपैरिजन। मतलब स्ट्रिंग कंपैरिजन पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह है, विच ऑफ दिज मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर देयर इक्वलिटी। मतलब कि दो स्ट्रिंग को अगर इक्वलिटी में टेस्ट करना हो तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए इक्वल्स, बी इक्वल्स, सी इज इक्वल, डी इज इक्वल। तो इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होने वाला है? तो हमारा ऑप्शन होने वाला यहाँ पे ई इक्वल्स, जो फॉर्मेटिंग हमारा सही है इसका, में सब स्मॉल लेटर में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, जो कि हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो यह है हमारा दिया है, विच ऑफ दिज मेथड इज यूज टू कंपेयर ए स्पेसिफिक रीजन इन साइड ए स्ट्रिंग विथ अनदर स्पेसिफिक रीजन इन अनदर स्ट्रिंग, ए रीजन मैच, बी मैच, सी रीजन मैचेज, एंड डी रीजन मैच। मतलब रीजन को मैच करने के लिए हम इसमें किस स्ट्रिंग का प्रयोग करते हैं, कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं? तो हमारा होता है रीजन मैचेज का, ठीक है। और हमारा फिर थर्ड आंसर होता है हमारा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया है वो यह है, विच ऑफ दिज मेथड ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज टू चेक वेदर ए गिवन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विथ ए पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिटरल, ए मतलब किस स्ट्रिंग मतलब किस मतलब जो हमारा स्ट्रिंग होता है कौन से लिटरल होता है इसे स्टार्ट होगा हमारा स्ट्रिंग, यह पता करने किसका प्रयोग करेंगे, यह ए स्टार्ट विथ, बी एंड्स विथ, सी स्टार्ट्स, एंड डी दिया एंड्स। हमारा होता है ये मेथड होता है स्टार्ट्स विथ, इसी का प्रयोग करते हैं हम लेटर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पे, ओके फोर्थ नंबर है वो यह हमारा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिटर्न बाई फंक्शन कंपेयर टू इफ द इनवोकिंग स्ट्रिंग इज लेस देन द स्ट्रिंग कंपेयर्ड, ए दिया है जीरो, बी दिया है वैल्यू लेस देन जीरो, सी दिया है वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एंड डी दिया नॉन ऑफ द मेंशन। तो हमारा होता है यहाँ पर ऑप्शन होगा बी वैल्यू लेस देन जीरो, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है जो कि हमारा होगा पांचवा नंबर क्वेश्चन वो यह है, विच ऑफ दिस डाटा टाइप वैल्यू इज रिटर्न बाई इक्वल्स मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास के इक्वल मेथड के द्वारा इसमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है, ए कैर, बी इंट, सी बुलियन, एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो हमारा यहाँ पे जो प्रयोग किया था इक्वलिटी में वो हमारा किया था बुलियन का, मतलब कि है इक्वल है कि नहीं है, रिटर्न में क्या करेगा, रिटर्न में क्या करेगा, वो कह रहेगा तो ट्रू करेगा, फॉल्स करेगा, इक्वल होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। तो हमारा इसी के फॉर्म में आता है बुलियन के फॉर्म में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो छठवा नंबर है, इसमें देखिए कोड है, इसका आउटपुट आपको मिलना है। तो इसमें देखिए हेलो दिया है सी, मतलब कि स्ट्रिंग हमारा दिया है सी में, हेलो आई लव जावा, ठीक, और बुलियन वैर दिया है, ठीक। और यहाँ पूछा स्टार्ट विथ हेलो, क्या यह वाक्य है जो लिखा गया हेलो जावा, क्या यह मतलब इससे हमारा है कि नहीं है, मतलब कि यहाँ बनाया गया वेरिएबल बुलियन, इसलिए अगर होगा तो ट्रू वरना फॉल्स। तो ये हेलो यहाँ पे देख रहे हैं, हेलो यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों में अंतर है, बताना यहाँ क्या है, दोनों स्टार्ट होता है, इससे मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपल से मतलब इसका मतलब आंसर आने वाला वो फॉल्स आने वाला है, इसलिए फॉल्स मिलेगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो पांचवा नंबर है वही हमारा होने वाला है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है कोड का, ठीक। तो इसमें हमारा मिलेगा, इसमें भी दिया है S1 हेलो आई लव जावा, S2 दिया है, S1 को इसमें क्या कि इंपोर्ट कर दिया गया बस स्ट्रिंग क्लास का, और S1 को S2 से इक्वल टू कराया गया है, क्या यह बराबर है या नहीं है, ठीक है। S1 को S2 से इक्वल कराया गया और यहाँ से S1 डॉट इक्वल, दोनों बताना है कौन आंसर हमारा सही होने वाला है, ए ट्रू ट्रू ट्रू, बी फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, सी दिया है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। देखिए सिंपल से बात है कि हेलो आई लव जावा दोनों ट्रू है, मतलब पूरा फिक्स है कि पूरा S2 है, इसमें इंपोर्ट किया भी पूरा ट्रू है, लेकिन किसका प्रयोग करेंगे हम, S1 इक्वल टू S2 का या फिर इसका। तो हमारा इसका प्रयोग किया था ना, किसका प्रयोग नहीं किया था, इसका प्रयोग नहीं किया, इसलिए हमारा यहाँ फॉल्स होगा, यहाँ ट्रू होगा, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा जो कि आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ भी देख रहे हैं क्वेश्चन में दिया है हमारा कि पहले दिया है हेलो, S1 में दिया है हेलो, S1 के लिए इसमें डाल दिया गया है, S3 को हेलो बनाया गया, अब S1 S3 में कंपेयर किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे पहले तो S1 S2 को इक्वल किया गया और S2 S3 को इक्वल किया गया है, तो सिंपल सी बात है ये वाला तो पहले फॉल्स है, S1 और S3 फॉल्स है, क्योंकि S1 में हेलो है, यहाँ भी हेलो लेकिन पूरे कैपिटल में, तो S1 S3 फॉल्स है, मतलब ये वाला फॉल्स है पूरी तरह से, फॉल्स ये वाला, ये वाला फॉल्स है लेकिन ये वाला ट्रू है, इसलिए आपका ट्रू और फॉल्स हमारा चार ऑप्शन है, तो हमारा आएगा सी ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो नौवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमने पहले स्ट्रिंग बिल्डर बनाया, ठीक, इसमें क्या क्या 1 2 3 को डाला, ठीक, और यहाँ पे क्या क्या S1 बनाया जिसमें 1 2 3 है, और SBI और S1 दोनों को क्या क्या यहाँ पे प्रिंट कराया गया है, तो SBI में क्या 1 2 3 है और S1 में क्या 1 2 3 है, तो बताना आपको क्या है इसका आउटपुट आने वाला है, ठीक। यहाँ पे ये दिया है SBI डॉट अपेंड ABC, S1 डॉट अपेंड ABC, SBI डॉट अपेंड ABC और S1 डॉट कनकेट ABC, SBI डॉट कनकेट ABC और S1 डॉट अपेंड ABC, SBI मतलब चार ऑप्शन हमारे पास है, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन आने वाला वो हमारा ए वाला है, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 10वां नंबर है, जो चैप्टर लास्ट क्वेश्चन होगा वो यह है, क्या होगा इस कोड का आउटपुट, कैर एरे बनाया गया है,
ठीक, ए बी सी ए सी चार ऑप्शन हमारे पास है। आई को 0 से इनिशियलाइज किया गया है, कैर कर ले जो लेंथ है उसको किया गया, मतलब वहीं तक लूप चलाना है। कितने हमारे कैरेक्टर है, 3 तो 5 है, तो बताना है कहाँ तक प्रिंट होगा। और यहाँ पे एक और लूप चलाएगा इसी के अंदर i+1 से, और कैरेक्टर लेंथ से चलाना है हमको यहाँ पे। और यहाँ बताना है कि अगर करेक्टर इतना हो रहा है तो कंपेयर करना है हमको, तो क्या होगा। चार ऑप्शन है, ए बी बी सी सी ए एंड ए सी। हमारा ऑप्शन आ गया है ए सी, ए सी जो होगा हमारा कंपेयर करेगा यहाँ पे आकर के। तो ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक का। तो अभी तक हम लोग इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा स्ट्रिंग का कंपैरिजन कैसे किया था, स्ट्रिंग कंपैरिजन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।